सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। माते पिता गुरुदेव को करिए नित्य प्रणाम, उनके आशीर्वाद से सफल हो सब काम। मेरे मन मंदिर को पवित्र करने वाले परम आराध्य गुरुदेव जी, मंचा सेन पूजनीय संत समाज, सत्संग स्थल में बैठे शक्ति एवं भक्ति की स्रोत माताएं और धर्म प्रेमी परमार्थ प्रेमी सज्जनों, सहित जी की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है शो आज्ञा पालन हेतु कुछ मिनट आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। कहते हैं कि पावन भारत भूमि तपस्वियों की तप स्थली है। ये अपने ज्ञान साधना के कारण विश्व का सिर मुकुट है। साहब जी सुबह ही बता रहे थे कि ज्ञान चर्चा का आदान प्रदान करने का जो भारत में सिस्टम है, जो नियम है, वे अन्य प्रदेशों में यानी विदेशों में इसका कोई नियम नहीं है। लेकिन आजकल भारत की भक्ति से, शक्ति से, भक्ति से विदेशी लोग बहुत प्रभावित भी हो रहे हैं। लेकिन हमारे भारतीय लोग विदेशी कल्चर को भी अपनाते जा रहे हैं बहुत तेजी से। लेकिन मैं उन सब से करबद्ध निवेदन करूंगी कि वे अपने भारतीय संस्कृति को समझे, उसे जाने और उसे अपने जीवन में धारण करें। हमारी भारतीय जो संस्कृति है, गुरु शिष्य के परंपरा, माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने जीवन में सद्गुण सदाचार को धारण करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन आजकल लोग अंग्रेजी कल्चर, विदेशी कल्चर के पीछे भागते जा रहे हैं। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि हाय रे जवाना तेरी हद हो गई, अंग्रेजी कल्चर के सामने भारतीय संस्कृति रद्द हो गई। गुरु कबीर की एक साखी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। गुरु कबीर क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए। कैसा वाणी बोलना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी अपने अहंकार और ममकार को मिटा करके बोले। ध्यान रखिए आपके अंदर में आपका जैसा भाव है ना, आप बोलते हैं ना, तो आपकी वाणी के द्वारा वो व्यक्त होती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करो। क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे बोले कि सामने वाले हमें सुन करके एकदम प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए? कभी सोचे आप अपने अहंकार ममकार को मिटा करके ऐसी वाणी बोलिए जिससे आप सुख प्रसन्न हो और सामने वाले को भी सुख मिले, शांति मिले और सुकून मिले। गोस्वामी तुलसीदास भी इसी को कहे कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तज तो वचन कठोर। कि मीठे वचन क्या है, वशीकरण मंत्र की तरह होता है। यदि आप मीठा
बोलना जानते हैं और आपका व्यवहार कुशल है, तो आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो आपके सगे संबंधी मित्र सखा सब मिल जाएंगे। और यदि आपको बोलने की कला ज्ञात नहीं है तो आप अपने घर में, अपने परिवार में, आजकल तो कहते हैं कि सास बहू में पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसी लड़ाई हो रही है। सास पाकिस्तान तो बहू हिंदुस्तानी बन गई है, कि मतलब ऐसी लड़ाई, मतलब कोई ये नहीं सोचते हैं कि चलो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई थोड़ी ना है, ये तो व्यवहार है। कोई ज्यादा हो गई तो किसी को कम हो जाना चाहिए, किसी को गुस्सा आ गया तो किसी को विनम्र हो जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सास से बहुत ज्यादा रहेगी और बहू से सास, दोनों झुकना नहीं चाहते। तो हम दोनों से निवेदन करूंगी कि झुके बिना न तो आप व्यवहार चला सकते हैं, न परिवार चला सकते हैं और न समाज चला सकते हैं। आप जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वहां ऊंच नीच हो जाता है, तो ये कोई लड़ाई थोड़ी नहीं कि मुकाबला बराबर ही रहे, ऐसी बात नहीं है कि आप सह लेंगे तो समझिए आपका परिवार बच गया, आपका समाज बच गया, आपका राष्ट्र बच गया। और नहीं सहे तो देखते हैं ना कि वाणी के का महाभारत युद्ध की 18 दिन में बहुत सारे लोग कट के मर गए, 18 दिन के महाभारत का युद्ध में। कि जब द्रौपदी ने युधिष्ठिर के सभा भवन में दुर्योधन के लिए बोली कि हाँ अंधे के बेटा तो अंधा ही होगा, यही एक शब्द महाभारत युद्ध का कारण बना। तो क्यों ना हम पहले ही अपने शब्दों को संभाल करके बोले। गुरु कबीर कहे कि हिय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, मतलब अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल लीजिए कि हम जो बोलने जा रही हूँ या जो बोलने जा रहा हूँ, जो कहने जा रहा हूँ, उससे हमको लाभ है सामने वाले का या नहीं, सामने वाले को किसी प्रकार की कोई दुख तो नहीं होगा, कारण और वजह तो नहीं बनेगा। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि पहले जैसे रंग नहीं है आज की रंगोली में, पहले जैसा रंग नहीं है आज की रंगोली में, जाने कैसे जहर भरा है आज लोगों की बोली में। सोचिए जरा, आप सांप बिच्छू तो नहीं है कि आपके लिए कहा जा रहा है कि लोगों के बोली में जहर भर गया है। जहर किसके अंदर होता है? सांप बिच्छू आदि विषैले जानवरों में। हम तो वैसे नहीं है ना, हम मनुष्य हैं। और प्राणी जगत में मनुष्य को प्रकृति के ओर से दो अद्भुत वरदान मिला है, बोलने की और सोचने की। तो क्यों ना हम जो बोले उसे विवेक पूर्वक बोले, सोच समझ करके बोले। यदि आप बिना सोचे समझे कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। यदि आप गुस्से में और क्रोध में आकर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो इसका भी परिणाम सही नहीं होने वाला है। तो हमें चाहिए कि हमें किसी प्रकार की अपने जीवन में, हमारे जीवन, देखिए जहां आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, वहां समाज है, परिवार है, किसी से कोई ऊंच नीच हो जाए ना तो सब लोग अपने पास एक एक कब्रिस्तान जरूर रखना सबके लिए, उनकी गलतियों को दफन करने के लिए। किसी से कोई गलती हो गया तो उसी को बार बार ना दोहराइए, वो भी आदमी है। कहा जाता है कि मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाता है, क्षमा कर दीजिए। किसी से कोई गलती हो गई, किसी कोई त्रुटि हो गई, उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर देंगे ना तो सामने वाले भी आपके प्रति खुश होगा और आपको आपको भी एक ऐसा सहानुभूति होगा, आपको भी लगेगा मैं बहुत अच्छा काम कर दिए।
हर व्यक्ति को क्षमा करना पड़ेगा। बिना क्षमा के कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं कह रही थी मुझे कि हमें अपने वाणी को चयन करके ही बोलना है। मुझे एक एग्जाम्पल याद आई। कहा जाता है कि एक बार, आप लोगों ने इस कहानी को बहुत बार सुन चुके होंगे कि एक बार एक कौवा और एक कोयल दोनों एक साथ साथ और एक वृक्ष पर रहते थे। एक दिन कोयल कहीं दाना चुगने गई थी और आई तो देखी कि कौवा अपने बोरिया बिस्तर को बांध करके कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। कोयल ने पूछी कि कौवा भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? तो कौवा कहता है कि बहन, अब मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करता हूँ। कोयल बोली, क्यों? तो कौवा कहता है कि बहन, मैं जहाँ जाता हूँ, जिस घर पे बैठता हूँ, तो लोग मुझे कंकर पत्थर मार कर भगा देते हैं। लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। जहाँ जाता हूँ मारे जाता हूँ, भगाए जाता हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करते हैं। कोयल कहती है कि भैया, केवल स्थान बदलने से आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आपको क्या बदलना है? अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। अपनी आप जहां कहीं भी जाते हैं, टाए टाए करके बोलते हैं, लोगों को आपकी आवाज अच्छा नहीं लगता है। आप अपने स्वभाव को बदलिए, फिर आपको सब पसंद करेंगे। लेकिन ऐसे आप इधर उधर भागते रहेंगे तो दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, आपका आपके साथ वही व्यवहार होगा। गुरुवर कबीर इसीलिए कहे कि कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा वचन सुनाए के जग अपनो कर ले। कौवा किस कहते हैं कि कागा किसका धन को हरण करता है? किसी की खेत से फसल काट के लाता है? नहीं ना। किसी के घर से बर्तन उठा के ले जाता है? नहीं। लेकिन और कोयल किसको क्या देती है? कुछ नहीं देती है। लेकिन जैसे अपनी सुरीली आवाज निकालती है तो उसके पीछे पीछे बच्चे भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? कि यदि हम मनुष्य हैं और हम सीखना चाहते हैं तो पशु पक्षी कहते संसार एक खुला हुआ किताब है, खुली हुई पुस्तक है। इसमें यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो पशु से, पक्षियों से, छोटे बड़े सबसे सीख। कहते हैं भारत ऐसा देश है जहाँ पर पिता पुत्र को अध्यात्म का ज्ञान दिया, पति पत्नी को, पत्नी पति को, माता पुत्र को अध्यात्म का उपदेश दिया। भारत सदा से अध्यात्म रत है। पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। तो हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम भी ऐसे धरती पर जन्म लिए जहाँ पर अनेक प्रकार के ऋषि गुरु और संत का दर्शन होता है, उनका सानिध्य मिलता है, उनके सत्संगों का लाभ मिलता है। तो हम अपने सुधार, अपने जीवन में सुधार लाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा, हमारा परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा। कहते हैं कि मुझे एक कहानी याद आई कि एक बार एक सेठ जी थे और उनके सपने में वो सो रहे थे और रात को 12 बजा हुआ था। तो लक्ष्मी जी उनके सपने में आई और कही कि सेठ जी, अब मैं आपके यहाँ 25 साल से रह रही हूँ, अब मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी चौंक करके उठे और कहे, लक्ष्मी जी,
आप ही हो तो मेरे मेरा नमस्कार हो रहा है, मेरा लोग प्रणाम कर रहे हैं, मैं सेठ जी कहा रहा हूँ, यदि आप नहीं रहोगी तो मेरा क्या होगा। हे लक्ष्मी जी, मेरे दो चार रिश्तेदार कम कर दीजिए, मैं तो आपको पाने के लिए साधु संतों के सत्संग छोड़ दिया, मंदिर मस्जिद जाना छोड़ दिया, और लक्ष्मी जी आप मुझे छोड़कर के कहाँ जा रही हो। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि ठीक है, मैं कल रात को 12 बजे आपके यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ कि आप मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तो सेठ को रात की नींद उड़ गई, सोचने लगा। सुबह होते होते सेठ के चार बहू थी, तो उन्होंने अपने चारों बहुओं को बुलाया और अपने चारों बहुएं से बताए कि अपने यहाँ से लक्ष्मी जी जाने को तैयारी कर रही हैं और कल रात को 12 बजे चले जाएगी। तो बड़ी बहू कही कि ऐसी बात है, तो सेठ जी कहे हाँ, लेकिन लक्ष्मी जी एक वरदान देने को कही है कि सेठ जी कल आपके सपने में मैं आऊंगी और आप मुझसे एक वरदान मांग लेना। तो सेठ की बड़ी बहू कही कि ठीक है पिताजी, यदि लक्ष्मी जी एक वरदान देने को कह रही हैं तो आप आजकल स्कूल और हॉस्पिटल की ज़्यादा इनकम है उसमें, स्कूलों में और हॉस्पिटलों में, तो आप लक्ष्मी जी से कह देना कि पटना के जितने स्कूल हैं और हॉस्पिटल हैं सब हमारे नाम से कर दीजिए। तो सेठ ने अपने चारों बहुओं के विचार जाने दूसरी वाली से कहे, तो दूसरी वाली कही कि ठीक है पिताजी, लक्ष्मी जी जाने को कह रही हैं तो जाने दीजिए, लेकिन ए बिहार का जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास जितने सोने चांदी हैं सबको अपने नाम से करवा लीजिए। तो सेठ जी दोनों बहुएं की बात सुनी, फिर तीसरी बहू की बारी आई, तीसरी बहू भी वही बात बोली कि पिताजी ये बिहार के जितने जमीन जायदाद हैं उस सबको अपने नाम से करवा लीजिए, फिर हम लोग बढ़िया सुखी संपन्न रहेंगे, लक्ष्मी जी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो जो छोटी बहू थी, तो उनके पिताजी उनके ससुर जी उनसे कहे कि बहू आप भी बोलो, आपकी भी बारी है। तो लक्ष्मी जी कहे कि छोटी बहू कही कि पिताजी मैं मेरे बात आप मानेंगे, मैं तो सबसे छोटी हूँ। तो ससुर उनके कहे पिताजी कि देखो बेटी, जैसे इन तीनों की बात को हम सुनी वैसे आपके आपका आपके भी बात को मैं सुनूंगा, मुझे जो उचित लगेगा वही करूँगा। तो छोटी वाली बहू कही कि ठीक है पिताजी, आप सपने में यदि लक्ष्मी जी आएगी तो लक्ष्मी जी से एक चीज जरूर मांग लेना। तो कहे कि वो चीज क्या है। तो लक्ष्मी जी से आप कहना कि लक्ष्मी जी तू आज नहीं अभी चली जा, लेकिन एक वरदान मुझे देते जा। जानते हो क्या वरदान मांगी? वो प्रेम मांगी। तो उनकी जो तीनों जेठानियां थी उन्हें भला बुरा करने लगी कि अरे तू प्रेम लेकर के क्या करोगी, इससे क्या होगा, हम लोग तो जहाँ करोड़पति थे अरबपति थे तो अब तो हम लोग रोडपति बन जाएंगे, सड़कपति बन जाएंगे, प्रेम लेकर के क्या करोगी, सब भला बुरा कहने लगी। तो उनके पिताजी जो ससुर जी थे
वो सोचे और रात में जब लक्ष्मी जी आई उनके सपने में तो लक्ष्मी जी से कहे, लक्ष्मी जी कहे कि तुम मांग क्या वरदान मांगते हो। तो सेठ जी कहे कि लक्ष्मी जी तू अभी चली जा लेकिन एक वरदान अवश्य देते जा। तो सेठ जी कहे, लक्ष्मी जी कहे कि मांग क्या वरदान मांगते हो। तो सेठ जी कहे कि मुझे हमारे घर में प्रेम बना रहे, आप यही वरदान दीजिए। तो लक्ष्मी जी कहे कि तुम्हारे घर में प्रेम की कमी हो रहा था इसीलिए मैं जाने को तैयारी कर रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे यहाँ से नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो सेठ जी पूछे क्यों नहीं जाओगे। तो कहते कि जहाँ प्रेम रहता है ना वही मैं रहती हूँ। जहाँ देखिए जिस घर में कलह हो, लड़ाई हो, राग हो, द्वेष हो, वहां कोई मेहमान भी टिकना नहीं चाहते हैं। लक्ष्मी जी की बातें तो बड़ी दूर की हैं। तो जानते हो सेठ की बहू जो छोटी थी, एक सत्संगी परिवार थे, परिवार से थी, उस सत्संगी परिवार से आई हुई थी, संत के पास जाया करती थी, सत्संग सुना करती थी, इसीलिए उन्होंने वो सीख रखा था कि प्रेम ही, कहते हैं कि प्रेम बिना बस जीवन, आसक्ति बिना भगवंत। तो कहने का मतलब कि यदि आप गुरु के पास रहेंगे, कहते हैं कि गुरु यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृतः अदंत कलहो यत्र तत्र शक्र वस्यामहम्। कहते हैं कि जहाँ गुरु की पूजा होती है, सुसभ्य भाषा बोली जाती है, बड़ों का आदर होता है, सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं, वहाँ पवित्रता और शांति की निवास होती है, तो इसको सब कहाँ मिलता है। और नारी वो चीज होती है, नारी चाहे तो अपने घर में भक्ति और शक्ति दोनों भर सकती है। और नारी कहते हैं कि नारी जब शास्त्र उठा ले तो किरण बेदी और कल्पना चावला जैसे बन जाएगी, और शस्त्र उठा ले तो अंग्रेजों को धूल चटाने वाले झांसी की रानी वीरांगना बन सकती हैं। लेकिन यदि वही नारी यदि अपने जीवन में भक्ति को उतार ले, भक्ति को धारण कर ले, तो सबरी जैसे बन करके श्री राम को भी अपने जूठे बैर खिला सकती हैं। तो हमारे जीवन में भक्ति की इतनी महत्वपूर्ण है, और ये हमारे भारत भूमि पवित्र भूमि रहा, लेकिन आजकल ये दुनिया बहुत तेजी से भागते जा रहा है। पहले के लोग अपने गेट के दरवाजे पर लिखा करते थे कि अतिथि देवो भवः। पहले के लोग जब कोई मेहमान आते थे तो उनको अतिथि समझ करके, देव समझ करके उनका सत्कार करते थे। लेकिन आज समय आगे बढ़ा, लोगों ने वेलकम लिखना शुरू किया, उससे भी समय आगे बढ़ा। कहते हैं कि पहले लोग अपने दरवाजे पर किसी बड़े बड़े सेठों के साहूकार अपने दरवाजे पर कोई व्यक्ति को रखते थे कि हमारे चौकीदार रखते थे, कोई आएगा तो देख रेख करेंगे। लेकिन समय भागता रहा, पहले इसलिए आदमी को दरवाजे पर रखते थे कि कोई जानवर घर के अंदर न आ जाए। लेकिन आज समय भागते जा रहा है तो लोग आज कुत्ते को दरवाजे पर रख रहे हैं कि कोई व्यक्ति अंदर न आ जाए। तो इसे हमें छोड़ना होगा। और माँ बहन भाई सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि वे अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने आचरण को उज्जवल रखें, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कहा जाता है कि वेद नाम के एक विदेश मंत्री जब भारत एक बार अमेरिका जैसे बलशाली राज्यों से जब युद्ध किया था, तो जब वेद नाम के जो विदेश मंत्री थे वो विजय प्राप्त कर लिए, तो वहाँ के पत्रकारों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि इसका रीजन क्या है जो इतने बलशाली राज्यों से आप विजय प्राप्त कर ली। तब वो विदेश मंत्री बोले कि मैंने भारत के एक महान विभूति से, एक महान चरित्र से, उनके गुरु मतलब उनके शिष्यत्व से मैंने
उनके चरित्र से प्रणा लिया हूँ। इसी के परिणाम स्वरूप मैंने अमेरिका जैसे बलशाली राज्यों पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। उसके बाद वे विदेश मंत्री जब भारत के दौरे पर भारत की यात्रा पर घूमने आए तो जब वापस जा रहे थे तो भारत की एक मिट्टी उठा करके भारत की धूल या मिट्टी उठा करके अपने जब थैले में भरे तो वहाँ के जो लोग थे आसपास के उन्होंने कहा कि इतने सूट बूट लगाया है और इतना अच्छा आदमी, ये भारत की मिट्टी को उठा करके अपने मतलब इस मिट्टी को उठाकर जेब में क्यों रख रहा है। तो लोगों ने प्रश्न लोगों ने कहा कि इसका रीजन क्या है कि आपने इस मिट्टी को उठा करके अपने बैग में रख रहे हैं। तो विदेश मंत्री कहे कि मैं इस मिट्टी को इसलिए उठा करके अपने बैग में रखा कि इस मिट्टी को ले जा करके अपने देश के मिट्टी में मिला दूंगा ताकि हमारे देश में भी ऐसे महान चरित्र जन्म लेंगे, ऐसे महान ऋषि महर्षियों जैसे ज्ञानी और तपस्वी जैसे विद्वान हमारे यहाँ भी जन्म लेंगे। तो हमारी भारत की ये विशेषता है, जहाँ पर एक स्त्री दूसरे पति को भाई और उनको सम्मान करती थी, लेकिन आज वही देखिए कितना मतलब पड़ोस से भी कोई डर नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, कोई सिस्टम बिगड़ते जा रहा है। आज आजकल के नौजवान भाइयों और दूसरे गांव की बहन या अपने गांव की बहन बेटियों पर गलत दृष्टि डालने लगे और कहते हैं कि पास पास में रहने वाले एक दूसरे के प्रति सबका मन इतना बिगड़ते जा रहा है, इतने घिनौने होते जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने अपने बच्चे को कभी ऐसे महापुरुषों की उनके चरित्रों की बखान नहीं किए, उन्हें बताए नहीं। आजकल मोबाइल में तो कहते हैं कि हमारे मन में जो जैसा रहता है वही हमें मोबाइल से निकलता है। ये ऐसा भारत ऐसा भूमि है जहाँ पर कहते हैं कि पराई बेटियों को, बहनों को, माताएं को देवी समझा जाता है, माता समझा जाता है। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी से जब स्वरूपरेखा को सामना हुआ तो लक्ष्मण जी जब उन्हें प्रणाम किए तब स्वरूपरेखा कहती हैं कि मैं गढ़लंक में वास करूं, तू बन बन फिरे ब्रह्मचारी, प्रीत नहीं परिचय नहीं, कई विधि भाई तेरी महतारी। तो श्री लक्ष्मण जी बोले कि साच कहूं तुन सोही तुन सुन तो ही नि साचरी, काम के भाव लिए उरमे तू मात भाई जब ही ते, काम के भाव लिए उरमे राम के तीर गई जब ही ते। स्वरूपा जब स्वरूप रखा उनसे कही कि तुमसे न कोई मेरा प्रीत है, न परिचय है, न तुम मुझे जानते हो और न मैं तुझे जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे माता कह करके प्रणाम क्यों किए? तो लक्ष्मण जी कहे कि जब से तुमने श्री राम को पति रूप में अपने मन ही मन स्वीकारा तब से मैं तुम्हें माता समझ लिया। तो ये हमारे भारत की ये सिस्टम है, ये नियम है, लेकिन आज की युवा पीढ़ियों इस पर ध्यान दे। तो मैं कह रही थी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। आप ऐसे वाणी का प्रयोग कीजिए जिसे आपको सुख मिले, शांति मिले और सामने वाले को भी सुख और शांति की अनुभूति हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी।